हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग नमस्कार 16 अक्टूबर 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी से रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से आज पढ़ेंगे जीएसटी में रिसेंटली हुआ क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए बोरो करके देगी तो पूरा एक सीनेरियो को हम समझते हैं कि पूरा रीजन्स क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे जी है क्या बेसिकली जी को अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में ये लागू किया गया था और इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे गुड्स सर्विसिज़ एंड स्टेट ये जो वर्ड डिफ़ाइन किए गए हैं वो आर्टिकल 366 के अंदर डिफाइन किए गए हैं इनके अलावा जब जीएसटी बन रहा था तो कई सारी कंट्रीज से हमने इसके बारे में रिसर्च किया जैसे ईयू है ऑस्ट्रेलिया मलेशिया इन कंट्रीज़ के साथ इसके अलावा ये बिल पास किया गया लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उसके बाद प्रेजिडेंट ने इन पर साइन किए कई सारे सारे आर्टिकल्स इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इम्पेक्ट हुए जैसे आर्टिकल टू ए टू सिक्सटी नाइन ए राइट अब इसके अंदर कई सारे टैक्स इंक्लूड किए जाते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के इनके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सीज जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं और इसमें जैसे सेंटर के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज़ है एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिकन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपेशन एक्ट एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम सी एंड एस सर्विसेज टैक्स सरचार्ज एंड सेजेज ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है स्टेट वैट स्टेट टैक्स में बात करें तो स्टेट वैट सेल्स टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स परचेज टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन दो लिविड बाय लोकल बॉडी तो ये चीज़ छोड़ दी गई है बाकी जो है वो ऐड कर दी गई है लग्जरी टैक्स है एंटरटेनमेंट टैक्स ऑल फॉर्म टैक्सीज ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग इसके बारे में ये भी न्यूज़ में है रीजन इज दैट कि अभी पेटीएम वाला एक सीन हुआ था सरचार्ज एंड सेजेज तो जी के ये इन इन सब को मिला के जी इसमें इंक्लूड किया गया और इसके अंदर बेसिकली तीन तरह के होते हैं जैसे सेंटर जी स्टेट जी या यू टी और इंटर स्टेट जी राइट अब इसके बाद इसके अंदर बात करें तो कुछ चीज़ों को छोड़ दिया गया फॉर एग्ज़ाम्पल एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन जो है इस पर टैक्स लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की वो उसको लगाए ना लगाए उनकी जिम्मेदारी है फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्रूड ऑयल डीजल पेट्रोल नेचुरल गैस और एटीएफ एटीएफ का मतलब होता है एविएशन ट्रबाइन फ्यूल यानी जो एयरप्लेन के अंदर जो यूज़ किया जाता है उसको भी फिलहाल छोड़ दिया गया इसमें जीएसटी काउंसिल बाद में डिसीजन लेगी टोबैको तो प्रोडक्ट जो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाएगी लगा सकते हैं उनको पावर लेकिन जीएसटी एस टी के अंडर ये एड नहीं किया गया एंटरटेनमेंट टैक्स लेवड बाय लोकल बॉडीज लोकल बॉडीज़ का यहाँ मतलब क्या है अर्बन लोकल बॉडीज़ और जो रूरल लोकल बॉडीज जो होती है यानी जो आपने इलेवेंथ और ट्वेल्थ शेड्यूल पढ़ी होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसके अंदर डिस्कशन किया गया है सब्जेक्ट्स का जिसमें रूरल लेवल पर ट्वेंटी नाइन और जो अर्बन लेवल पर एटीन सब्जेक्ट्स में वो जो फंक्शन कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है इसके अलावा इसमें टू सेवेंटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल की और जीएसटी काउंसिल को चेयर करते हैं यूनियन फिनंस मिनिस्टर जो इस टाइम हमारे निर्मला सीतारामन हैं इसके अलावा वो वही चेयरपर्सन जो हो किसी भी स्टेट का कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है इसके अलावा इसमें कोरम का मतलब है कि फिफ्टी तो टोटल मेम्बर होने ही चाहिए स्टेट का वेटेज टू थर्ड होगा और सेंटर का वन थर्ड होगा डिसीजन जो लिया जाएगा वो सेवेंटी फाइव मेजोरिटी के थ्रू लिया जाएगा तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है रिसेंटली जीएसटी टैक्स जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसको चेयर करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और इस टाइम है निर्मला सीतारामन ठीक है तो इस टैक्स के अंदर प्रोविजंस किया गया था जब एक जुलाई दो को वन जीरो ये एक्ट लागू किया गया ठीक है इसमें प्रोविजन था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉस्ड होगा तो उसको कंपनसेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट अगले पाँच साल तक ठीक है तो ये प्रोविजन था तो इसमें पेंडेमिक के दौरान उनको लॉस हुआ तो वो डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें पैसा दीजिए इसके बाद इनको ऑफर दिया गया कि आप मार्केट से बोरो कर लीजिए लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कई सारे ये बोल रहे हैं कि हम बोरो नहीं करेंगे आप हमें बोरो करके देंगे अब इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया कि वो अब लोन को बोरो करके स्टेट गवर्नमेंट को फंड uh, प्रोवाइड करेंगी करेंगे लगभग एक पॉइंट एक लाख करोड़ रुपए जो वो ट्रांसफर किए जाएंगे इसके अलावा ट्वेंटी वन स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट बोरविंग का जो ऑप्शन है वो फॉलो uh, किया उन्होंने कहा कि हम ठीक है हम मार्केट से पैसा ले लेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी इसके अलावा सेंटर uh, जो ये पैसा आप देगा इनको ये कंपनसेट की तरह है तो हमारे फिनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम लोग फिजिकल डेफिसिट और जनरल गवर्नमेंट डेट को इंक्रीज नहीं करना चाहते फिजकल डेफिसिट का यह मतलब क्या होता है कि सरकार की जो इनकम होती है चाहे वो टैक्सेस के थ्रू हो नॉन टैक्सेस के थ्रू हो या हमने जो भी किसी को पैसा देखा वो हमारा वापस आ जाए यानी सीधी सीधी बात करते हैं कमाई जो होगी सरकार की उसके मुकाबले में खर्चा कितना होगा मान लेते हैं हम सौ रुपये कमाते हैं और हम खर्च कर रहे हैं एक सौ पाँच रुपये वन जीरो फाइव रुपीज़ तो इसका मतलब क्या है पाँच रुपये हमें लोन लेना पड़ेगा या उसको बोरविंग के लिए हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा तो पाँच रुपये फिजिकल डेफिसिट होगा यानी हम अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो वो फिजकल डेफिसिट में फिजिकल डेफिसिट अच्छा है या बुरा है अगर एक लिमिट तक हो तो हर चीज़ अच्छी ही है या उसमें कह सकते हैं कि वो कोई बुरी चीज़ नहीं है लेकिन अगर एक लिमिट क्रॉस कर रही है तो वो एक तरीके से चैलेंज है इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सिक्योरिटी पर इनको जो है पैसा दिया जाएगा और कभी कभी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर्ड यूज़ किया जाता है इसका मतलब क्या है कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो एक एजोरेंस देती है कि हम आपका पैसा पे करेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के मामले में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक तो है तो उनका एक अपना फंक्शंस है तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी इसके अलावा रिसेंटली जो है वो टीआरपी वाला इश्यू हुआ था मीडिया के अंदर और कुछ मुंबई पुलिस में और जो कुछ चैनल्स को लेकर कि टीआरपी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई टेम्परिंग करने की कोशिश की गई तो बार्क एक इंस्टीट्यूट है जो इन चीज़ों को एनालिसिस करता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल उन्होंने सस्पेंड कर दी रेटिंग ऑफ ऑल न्यूज़ चैनल सभी न्यूज़ चैनल्स की और थ्री मंथ्स तक अगले तीन मंथ तक कोई रेटिंग इनकी नहीं की जाएगी तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके बाद बात करेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ने कुछ स्टेटमेंट दिए या उन्होंने उनसे एक इंटरव्यू में कुछ पूछा गया तो उन क्वेश्चंस का क्या उन्होंने आंसर किया उसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो इंडिया एंड चाइना के रिलेशन में जब उनसे सवाल पूछे गए कि आपका क्या ओपिनियन है तो उन्होंने कहा कि भारत और चाइना के बीच में जो बातचीत है वो कंटिन्यू प्रोग्रेस में है कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा ये एक तरीके से आ, कह नहीं सकते और दोनों के बीच में चाहे डिप्लोमेटिक लेवल हो चाहे मिलिट्री लेवल पर हो वो चीज़ें रिसेंटली वो कंटिन्यू रही है रिसेंटली कई बार मीटिंग हुई है चाहे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की हो एन ने बात करी लेकिन चाइना के रिसेंटली प्रेजिडेंट ने उन्होंने कहा कि भाई हमें वॉर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए इंडिया क्या कर रहा है इस टाइम पे अगर आप इंडियन कॉन्टेक्सट में थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगी तो रिसेंटली हमने लगभग थर्टी फाइव डेज के अंदर टेंथ से ट्वेल्व मिसाइल के आसपास जो हमने टेस्टिंग करी हम कंटिन्यू मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है और रिसेंटली आप पढ़ रहे होंगे कि अटल टनल को इनोग्रेट किया गया जोजिला टनल जो है उसको उसका काम शुरू कर दिया गया बी यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है ख़ासकर ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पर आ, इंगेजमेंट या कनेक्टिविटी की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी मिलिट्री को कनेक्ट करने के लिए चाहे वो इक्विपमेंट को लेकर हो या और सब चीज़ों को लेकर हो तो वो एक इम्पॉर्टेंट है यानी हम लोग बातचीत करेंगे वो अपनी जगह है लेकिन हम कभी भी अपनी इंटीग्रिटी और सोवर्निटी यानी हमारी जमीन कोई हड़प लेगा या इस तरह की चीज़ें या जमीन पर हमें एक तरीके से वार जैसी थ्री अगर हमें देखने को मिले तो उसके लिए भी हम मेंटली प्रिपेयर रहें इस तरह की चीज़ों के लिए गवर्नमेंट टू टाइप की अप्रोच होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है अपने इक्विपमेंट बढ़ा रही चाहे वो मिसाइल्स हो चाहे जितने भी वेपन्स हो इसके अलावा सेकेंड है कंटिन्यू बातचीत कर रहे हैं और दोनों प्रेजिडेंट चाहे वो चाइना के हो और हमारी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो डिफ्रेंसिज़ है वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट के अंदर चेंज नहीं होने चाहिए बातचीत होती रहेगी लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कई सारे इश्यूज़ है जिसमें कॉम्प्लेक्स है और सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है लद्दाख वाला रीजन हो अक्साई चीन वाला रीजन हो वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं है तो ये एक मेजर कंसर्न और दूसरा वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है और वहाँ पर जो आपने पेट्रोलिंग पॉइंट इस तरह की चीज़ें देखी होंगी तो वो छोटी छोटी हील्स छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन करना इतना ईजी काम नहीं होता है तो इसलिए एक लंबा प्रोसीजर इस पर लगेगा और दूसरा हमारी एक फ्रंटियर फोर्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ये माना जाता है कि दुनिया की सबसे टफेस्ट फोर्स में से एक हो सकती है वो रीज़न इज दैट कि हाई एरिया के अंदर या हील्स के अंदर पहाड़ियों के अंदर या ग्लेशियर्स के अंदर फ़ाइट करने की कैपेसिटी में वो टॉप क्लास के ऑफिसर्स माने जाते हैं लेकिन वो एक बोल सकते हैं ना वार कोई सॉल्यूशन नहीं होगा आप दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर भी हो भी जाए तब भी डिसीजन जो होंगे वो बातचीत से ही होंगे तो बातचीत अपनी जगह है, अपनी मेंटली uh, और जो uh, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उन पर हम काम कर रहे हैं और इसके साथ गवर्नमेंट uh, जो है वो एक uh, अपने तरफ से जो भी कर सकती वो करेगी इसके अलावा नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने इस बात को एजोर किया है कि नागालैंड में जो इस टाइम चल रहा है फ्रैक्शंस के बीच में डिफरेंसेस होना चाहे वो आर एन रवि वहाँ के गवर्नर हो चाहे वहाँ के फ्रैक्शन ग्रुप या उसको एक अलग सेपरेट नागालैंड की जो डिमांड करते हैं वो ग्रुप्स हो या सिविल सोसाइटीज़ ग्रुप हो या पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट है नागालैंड की उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमें इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि पीस ही अल्टीमेटली सोल्यूशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही मैसेज है कि सपोर्ट करिए इस पीस प्रोसेस को स्ट्रेंथ करिए नेगोशिएशंस को और जर्नी टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दिस वन सोल्यूशन इन द अर्लीस्ट टाइम पॉसिबल में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो वो यहां पर आप हासिल करिए ताकि रिजल्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिले तो उसी के बारे में डिस्कशन किया गया है उन्होंने बताया कि हम कैसे वो सब चीजें हासिल करेंगे इसके अलावा पेज नंबर टेन पे एक छोटी सी न्यूज है पहले यहाँ पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू कराया नोटिस किस किसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एन नेशनल पेमेंट यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अवर यूपीआई यूज़र यूपीआई का मतलब होता है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यूपीआई को लेकर जो उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो नोटिस भेजा है बेसिकली अगर आप देखेंगे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये और ये रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया के uh, बेसिकली एक इनिशिएटिंग करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के अंडर और इसके अलावा इसमें पेमेंट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर इनको इम्पोर्टेंट इन्होंने uh, कहीं ना कहीं एक तरीके से पावर दी गई और ये क्रिएटिंग पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया उसके लिए काम करता है तो ये कहीं ना कहीं इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर काम करता है ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और एन के बारे में सवाल भी हुआ यू के बारे में भी सवाल हुआ उनके बारे में आप पढ़ेंगे इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के ख़िलाफ़ जो वायलेंस है वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है और ऐसा फील होता है कि ये नै रैंडिंग साइकिल यानी ये शायद कभी ख़त्म ही ना हो मेजॉरिटी प्रेफर टू सफ़र इन साइलेंस और जो मेजॉरिटी है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है साइलेंस की वजह से इनके अलावा चाहे वो हमारी सिस्टर हो हमारी वाइफ हो हमारी बच्ची हो माता हो पार्टनर हो सिंगल वुमेन हो कहीं ना कहीं हर कैटेगरीज़ के अंदर हमें वोइलेंस और डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलती है 2005 में भी एक हमने बनाया था कि डोमेस्टिक हेरेसमेंट के अगेंस्ट लॉ बनाया था लेकिन उसमें के बाद भी कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन अभी भी कोई ज़्यादा रिजोल्यूशन नहीं देखने को मिलता वुमेन्स खासकर जो सोसाइटी एटीट्यूड है स्टिक कंडीशन आल्सो मेड वुमेन वनरेबल टू डोमेस्टिक वायलेंस जो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है इसका रेजुलेशंस uh, देखने को अभी भी प्रॉपरली नहीं मिला है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए उस बात को इंश्योर करना चाहिए और वुमेंस uh, को रिलेटेड जो भी वायलेंस है चाहे वो uh, फिज़िकल हो चाहे वो मेंटल वायलेंस हो वो कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाना चाहिए और लॉकडाउन के दौरान कई सारी न्यूज़ आई न केवल भारत से बल्कि फ्रा, फ्रांस जैसी कंट्रीज से भी कि लॉकडाउन में डोमेस्टिक के के वायलेंस केस बहुत ज़्यादा हुए हैं इनका नंबर काफ़ी इंक्रीज हुआ है और हमारी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने भी इस तरह के स्टेटमेंट रिलीज करें कि केसेज जो है वो बढ़े हैं तो ये हमारे लिए कंसर्न है और न केवल डोमेस्टिक वायलेंस बल्कि सेक्सुअल अब्यूजिंग जैसी घटनाएं भी कंटिन्यू इंक्रीज़ uh, हुई है कई सारी न्यूज़ हम रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हैं तो ये कंसर्न है भारत के सामने और इनको कैसे हैंडल करना है इसके बारे में स्ट्रिक्ट लॉ तो होना ही चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अभी भी प्रोपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है और डोमेस्टिक लेवल पर महिलाओं का अवेयर करने की ज़रूरत है कि हमें किस हिसाब से फंक्शन करना है कैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं इसके अलावा दुनिया भर में क्या चल रहा है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले बात करेंगे थाईलैंड के अंदर थाईलैंड के अंदर बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगर आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे दुनिया भर में कई जगह पर इस बात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए यानी मुनार सिस्टम या राजतंत्र या वन पार्टी सिस्टम हमें नहीं चाहिए ये केवल बात थाईलैंड की नहीं है किर्गिस्तान होंगकोंग कई कंट्री जैसी जहाँ पर कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है हालांकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है किर्गिस्तान में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो किर्गिस्तान में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जब लोग खिलाफ हो जाते सत्ता के तब सत्ता का टिक पाना बहुत मुश्किल होता है किर्गिस्तान का हमने मैप कई बार कवर कर लिया थाईलैंड का हमने पहले किया था लेकिन थाईलैंड का मैप हम फिर से कवर करेंगे ताकि आपकी ज्योग्राफिकल क्लैरिटी बनी रहे तो अगर आप देखेंगे थाईलैंड जस्ट राइट हैंड साइड हमें देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल के और अंडेमान सी के तो इसके नेबरिंग कंट्रीज़ में आप देखेंगे नीचे कम्बोडिया उसके जस्ट ऊपर लाओस म्यांमार और नीचे जो है मलेशिया इसके मेजर कंट्रीज़ होंगी इसके अलावा गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडेमान सी इसके क्लोजेस्ट पार्ट बनेंगे और नीचे अगर आप देखें तो मलक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में ट्रेड किया जाता है और ये आ, माना जाता है कि ए, आ, जो पैसिफिक और इंडो ओशियंस को मिलाने का एक इम्पॉर्टेंट ये इंडिके एक इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रेट है स्ट्रेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो दो वाटर बॉडीज़ को मिलाएगी उसको स्ट्रेट बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये मलक्का चाहे अगर आ, आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाक स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी यहाँ पर पाक स्टेट देखने को मिलेगी इसके अलावा स्टेट ऑफ हारमोज ईरान वाले कॉन्टेक्स्ट में और आ, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो अफ्रीकन और स्पेन जैसी कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है तो ये स्टेट आप ज़रूर पढ़ते रहिए ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे और स्टेट बे और गल्फ ये तीनों चीज़ें हमें हमें पता होनी चाहिए मैंने स्टेट के बारे में बता दिया है कि स्टेट या जो ये जो खाड़ जो कनेक्टिविटी होती है ये दो वाटर बॉडीज़ को जो है कनेक्ट करती है आपको डिफरेंस बताना है बे और दो इम्पोर्ट एक और चीज़ है वे और गल्फ़ के बीच में गल्फ़ और बे के बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको नीचे कमेंट करना है गूगल करिए कुछ भी करिए लेकिन आपका उसका आंसर नीचे करना है इसके अलावा यमन के बारे में छोटी सी न्यूज़ है यमन के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे यमन में वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो ओपोजिट रेबल्स हैं हाउथी ग्रुप्स उनके बीच में प्रिजनर एक्सचेंज को लेकर वहाँ पर बातचीत हो रही है यमन पॉलिटिकली डिस्टर्ब्ड कंट्री है क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों मतलब दूसरी कंट्री की इन्वॉलमेंट बढ़ी है जिसमें सऊदी अरबिया है ईरान है कई सारी कंट्री एक दूसरे के उसको अगेंस्ट करती है और उसका हरजाना जिसको बोल सकते हैं वो भुगत रही वहाँ की वहाँ के सामान्य नागरिक उन पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ इसके अलावा भारत ने भी यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था 2015-16 के आसपास ऑपरेशन राहत जिसमें हमने जितने नागरिक हमारे फंसे थे उनको हमारी इंडियन एयरफोर्स ने या मिलिट्री जो भी आ, इसमें फोर्सेज थी हमारी उन्होंने उनको बाहर निकाला था और हम सेफली उसको एक्ट कर पाए थे ठीक है ये कई तरह के ऑपरेशन जैसे संकट मोचन है या इसमें नेपाल में हमने एक ऑपरेशन चलाया था साउथ सूडान के अंदर चलाया था आ, इसके अलावा जो आपने एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी एयरलिफ्ट उसमें वो ऑपरेशन दिखाया गया कैसे कंडक्ट किया जाता है कैसे एवोक्यूट किया जाता है इंडियन सिटीजन को अगर वहाँ पर पॉलिटिकली डिस्टेबिलिटी हो या रिबल्स के बीच में इस तरह की चीज़ें देखने को मिले तो ये यहाँ पर कंटिन्यू इस तरह के एथनिक ग्रुप हाउती है यजीदी है आ, कुर्द है उइगुर है या रोहिंग्याज है जब भी इस तरह के न्यूज़ में आए तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब हम एडिटोरियल सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को कवर करेंगे सबसे पहले बात करेंगे डीलिंग विद ए डेली यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही हैदराबाद के अंदर रिसेंटली जो फ्लड जैसी सिचुएशन देखने को मिली रीजनस क्या था उसको थोड़ा इन्होंने ऑब्जर्व किया है उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है द रोड टू जीरो हंगर बाय 2030 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है थोड़ा उसमें हम टाइम लेंगे क्योंकि वो अच्छा खासा उसमें आपको कंटेंट देखने को मिलेगा हैदराबाद की कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि हैदराबाद में फ्लड के रीजन्स क्या है इन एडिक्वेशी ऑफ ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट चेंज डेफिनेटली जो मानसून पैटर्न है रेनफॉल पैटर्न है उसको इम्पैक्ट कर रहा है इन सब के अलावा मैंने कल भी डिस्कस किया था कि इकोलॉजिकली इन बैलेंस जो हो रहा है यानी एनवायरमेंट के साथ बैलेंस नहीं हो रहा है उसकी वजह से ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलेगी और इन एडिक्वेसी ऑफ ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेनेज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेने सिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर डैमेज कर रहा है ये माना जा रहा है कि लंबे टाइम बाद 903 के बाद ऐसी पहली बार वहाँ पर देखने को मिली लेकिन ये कंटिन्यू इन्फेक्ट करेगी और अगर हम देखें इसमें लोगों को उनकी डेथ का नंबर ट्वेंटी तक पहुँच गया लेकिन उन सबसे भी ज़्यादा वहाँ के लोगों के जो मकान हैं और मकान बनाने में केवल पैसा नहीं लगता उसमें इमोशंस भी होते हैं अगर किसी का मकान समाप्त हो जाए उस ख़त्म हो जाए या उसका टूट जाए तो वो फील करना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उस तरह की चीज़ें मॉनसून स्टॉम और साइक्लोन जैसी कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली यहाँ पे और साइक्लोन की वजह से हो भी जो भी हुआ हो लेकिन वहाँ पर कंटिन्यू फ्लड्स की सिचुएशन देखने को मिली डिज़ास्टर्स को कैसे हम इफ़ेक्ट कैसे इफेक्ट करता है खासकर गरीब लोगों को बड़ी संख्या में प्रॉब्लम क्रिएट करता है डिज़ास्टर और डिज़ास्टर मिडिकेशन के जो इम्पैक्ट है वो उसको एनालिसिस कर किया जाएगा बाद में लेकिन अभी जो चीज़ों को के बारे में कि लैक ऑफ प्रिपेशन दिखाई दी कि प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं थी इनके अलावा हुसैन सागर जो लेक है वो ओवरफ्लो कर रही है डैमेज एक का रीजन माना जाता है कि उसको प्रॉपरली साफ़ नहीं किया जाता है जो भी उसमें होगी आइडेंटिफाई किया गया कि ये कहीं ना कहीं रीजन्स थे जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा इसके अलावा जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में भी प्रॉपरली एनालिसिस नहीं किया जा रहा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने 2016 में रिवील किया था कि लगभग तीन हज़ार दो सौ पैंतालीस थ्री थाउजेंड टू फोर्टी फाइव हेक्टेयर ऑफ वाटर बॉडी जो है वो हैदराबाद के अंदर लॉस्ट हो चुकी नाइनटीन से लेकर टू के अंदर जो छोटे छोटे जो बावड़ी कुएँ इस तरह के जो छोटे छोटे शहरों में पहले होते थे तो वो पानी स्टोर करने की कैपेसिटी वहाँ पर थी लेकिन हुआ क्या मकान बनाने के चक्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के चक्कर में हमने उन बेसिक चीज़ों को ही अवॉइड कर दिया और ये कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के लिए इंश्योर करना चाहिए ताकि हाइड्रोजियोलॉजी को ध्यान में रखा जाए अर्बन प्लानर को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लड हो ड्राउट हो साइक्लोन हो उस तरह की सिचुएशन जो होगी वो एक डेली लाइफ का पार्ट हो सकती है इन फ्यूचर तो उसके बारे में पहले ही हमें काम करना पड़ेगा और जितने भी वेटलैंड है उनके बारे में हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि उसका इम उनको लॉस्ट ना हो उस लॉस्ट की वजह से हमें इस तरह की फ्लड बाद में ना फेस करनी पड़े और प्रॉपर प्रिपरेशन पहले से ही होनी चाहिए राइट इसके अलावा थाईलैंड वाला हमने इशू पढ़ लिया है और यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ जो दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को उसको हमने कवर कर लिया है पहले से ही लेकिन यहाँ जो रोड टू जीरो हंगर बाय 2030 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले बात करेंगे रेजिलेंट फूड सिस्टम विल हैव टू बी बिल्ट बैक एज द वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव ग्लोबल टारगेट यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जा रही है 2016 से 2030 तक हमें 17 ऐसे गोल्स को हासिल करना है जो जिसके अंदर जीरो हंगर भी एक गोल है कि उसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स ही बनाए जिसमें वन के आसपास सब पॉइंट्स हैं और अभी जो इस हिसाब से फूड हमारा जो रेजीलेंट फूड सिस्टम है वो अभी उस ट्रैक पर नहीं है कि हम ग्लोबल टारगेट्स को अचीव कर सके तो इसमें हम एक एक चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे इसमें बताया कि फूड जो है एक इसेंस है लाइफ का और एक तरीके से जो हमारी कल्चर्स का पार्ट हो या कम्युनिटीज का हो ये एक पावरफुल मीन्स हो सकता है लोगों को साथ रखने का उनको ग्रो करने का नरिश करने का और सस्टेन द प्लेनेट राइट लेकिन 2020 ने इस तरह की सरकस्टेंसीज पैदा करी है और ये थ्री जैसी चीज़ें हैं कि पहले जो फूड सिक्योरिटी एक सेकेंड फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स पर जो थ्रीट था इसकी वजह से कहीं ना कहीं और इंक्रीज़ हुआ है और ये माना जा रहा है कि लगभग 690 मिलियन लोग जो पहले फेस कर रहे थे हंगर को अब उसका नंबर हमें इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और वर्ल्ड फूड डे आज 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे है इस दिन फूड एजेंसीज जैसे यूनाइटेड नेशन ने इस बारे में काम करने के बारे में कि वो हंगर को एंड करे एडिक्ट करे फूड इनसिक्योरिटीज़ को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर टू को हासिल करे ये चीज़ें उनको उनके टारगेट्स हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना है हमारे सामने कई सारे हमने प्रोग्रेस करी है चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को लेकर हो और इसमें कई सारी डिकेट्स में हमने कई इम्प्रूवमेंट किए हैं लेकिन अभी भी सैडली ये बात कही जा सकती है कि दो बिलियन लोगों के पास प्रॉपर एक्सेस नहीं है सफिशियंट न्यूट्रिएंट और सेफ फूड के बारे में और प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि 2030 तक हमें जो जीरो हंगर हासिल करनी है वो शायद हम उस ट्रैक पर नहीं हैं और ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट जो मिनिमम होने चाहिए हम उससे काफ़ी दूर देखने को मिलते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि भारत ने पहले जो हम इम्पोर्ट करते थे इम्पोर्ट से नेट एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये एविडेंट शो करता है कि पेंडेमिक के दौरान हमने कैसे काम किया बड़ी संख्या में लोगों को अनाज वितरित किया गया थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ताकि सप्लाई चैन डिस्टर्ब ना हो और इसके अलावा काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को मिलियंस टन जो है राशन प्रोवाइड किया गया और इन सब के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट था कि लॉकडाउन जब किया गया था उसमें भी इंश्योर किया गया था जो फूड सप्लाई को हम कंटिन्यू कर पाएँ इनके अलावा यहाँ पर बात की गई कि और इन्हीं मेजर्स की वजह से जो एक डिसरप्शन होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं कम हुआ एक अच्छी न्यूज़ आई इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कि लगभग 3.4 परसेंट की ग्रोथ हासिल की इस सेक्टर ने बाकी सेक्टर जो है वो डिग्रेड या डाउनग्रेड हमें देखने को मिलेंगे या उनमें अभी भी कॉन्ट्रैक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी इसके अलावा खरीप का जो सीजन था खरीफ की जो क्रॉप्स थी उसमें भी 110 मिलियन हेक्टेयर की इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी गवर्नमेंट की आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि मेजर खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी है वो आप नीचे कमेंट करना और इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बे और गल्फ़ के बीच में डिफरेंस क्या वो आप नीचे कमेंट करेंगे माल न्यूट्रिशन और एनीमिया के बारे में बताया गया कि भारत के सामने फूड ही केवल एक प्रॉब्लम नहीं है हमें मल्टी मल्टी डायमेंशन पे चैलेंज फेस कर रहे हैं इसमें चाहे वो माल न्यूट्रिशन को लेकर हो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो हालांकि माल न्यूट्रिशन में हमने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है और 2016-18 का जब नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे आया था लगभग 40 मिलियन बच्चे जो है लगभग चार करोड़ बच्चे क्रॉनिकली माल नृस्ट थे जिसमें इस इसी का एक आउटपुट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी इसके अलावा फिफ्टीन से फोर्टी नाइन ईयर की वुमेन जो है उनमें एनीमिक एनीमिया जैसी चीज़ें देखने को मिलती है और एनीमिया यानी ब्लड में अगर कमी किसी महिला को होगी तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनके बच्चों पर और इसके अलावा अगर एनीमिया के आ, के दौरान जो है वो प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है तो उनकी डेथ की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है क्योंकि ब्लड उसमें कम होगा तो उसमें सर्वाइव करना थोड़ा चैलेंजिज हो चैलेंजिंग हो जाता है या फिर उनका जो बच्चा होगा वो उसके बीमार होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज़ के थ्रू जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बच्चों को लगभग फूड सप्लाई किया गया ताकि कनेक्टिविटी जो बनी रहे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू इनके अलावा क्लाइमेट चेंज ने कंटिन्यू एक तरीके से थ्रीट पैदा किया हमारी एग्रो बायोडास्टिक को और इसकी वजह से हम जो आ, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी नुकसान हमें देखने को मिलेगा इसके अलावा जैसे डेवलपमेंट ऑफ ड्रोप ड्रोट है फ्लड ट्रोल सीड वेराइटीज़ है वेदर वेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजर्स है प्रमोशन ऑफ मिलेट्स स्मॉल स्केल इरीगेशन ये कुछ आउट रिजल्ट uh, हो सकते हैं जिसकी जो uh, हम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो क्लाइमेट uh, चेंज की वजह से साइक्लोन फ्लड लोकोस्ट अटैक या जो भी चीज़ें केमिकल्स के यूज़ करने से या अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस की वजह से जो सोयल डिग्रेडेशन हुआ है यानी जो मिट्टी की मिट्टी में एक तरीके से उपजाऊ क्षमता खत्म हुई है कम हुई है ग्राउंड वाटर कम हुआ है इन सब को बचाने के लिए हम लोग कई सारी वेराइटीज़ खासकर टॉलरेंट वेराइटीज़ को और वेदर बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइजर्स को हम लोग काम कर सकते हैं इसके अलावा भारत में प्रॉब्लम यह कि बड़ी संख्या में मार्जिनल और छोटे फार्मर हैं जिसमें 86 परसेंट के आसपास उनका वेटेज है तो जो, जो लगभग 60 परसेंट टोटल ग्रीन प्रोडक्शन में काम करते हैं तो इन्हीं सब के बारे में बताया गया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आई एफ ए डी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिन्होंने अभी नोबेल पीस प्राइज जीता वो मिलकर काम करें सिविल सोसाइटी के साथ गवर्नमेंट के साथ तो काफ़ी चीज़ों के अंदर अपडे अपग्रेडेशन किया जा सकता है इसके अलावा फूड सिस्टम के बारे में बताया गया कि फ़ूड सिस्टम क्या है बेसिकली फ़ूड सिस्टम के अंदर कई सारे प्रस्पेक्टिव हो सकते हैं लोगों को खाना खिलाने से लेकर उनको नरिश करने तक ग्रोविंग हार्वेस्टिंग प्रोसेस से लेकर पैकेजिंग तक ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग से लेकर कंज्यूमर फूड्स टू तो बी सस्टेनेबल है फूड सिस्टम मस्ट प्रोवाइड अनफ न्यूट्रिएंट्स फूड फॉर ऑल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फीडिंग फ्यूचर जनरेशन इन सब के साथ हम लोग ये कर सकते हैं और इसके अंदर ये एजेंसी तो काम कर ही रही है इसके अलावा वर्ल्ड फूड डे के अंदर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी लोकल कम्यूनिटीज मिलकर अगर हम काम करें तो सस्टेनेबल हेल्थी डाइट्स को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और एक तरीके से मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर लोग भूख से न मरें और जो टारगेट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर उनको हम हासिल कर पाएँ दो क्वेश्चन देखने हैं हमें आज थोड़ा डिस्कस करेंगे सबसे पहले 2020 में ये पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर फोर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉरपोरेट्स एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी अनटचेबिलिटी को एक डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म की तरह देखता है और कौन सा एक्ट जो है उनको प्रोटेक्ट करता है तो अनटचेबिलिटी के बारे में बात करी गई आर्टिकल 17 के अंदर और 17 जो आ, आता है और राइट टू इक्वलिटी के अंदर आएगा यानी जो समानता का अधिकार उसके अंदर ये इंक्लूड किया जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर दिया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी जो अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वोलेट होते हैं तो आप आर्टिकल टू टू सिक्स या थर्टी टू के अंडर उसमें जो है वो कई सारे रिट सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट रिलीज करती है आप उसमें देखेंगे तो ये सी आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज थर्टी टू के अंदर राइट टू फ्रीडम जो होगी स्वतंत्रता का जो अधिकार होगा आ, वो आपको मिलेगा 19 से 22 और राइट अगेंस्ट एक्सप्लेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मिलता है वो मिलता है बेसिकली 23 और 24 के अंदर तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट right है आप क्वेश्चन इजी बट इनमें ना हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आ, मतलब हवा में नहीं उड़ना ग्राउंड पे रहिए रियल उसको रियलाइज़ करिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फाइव है इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एन्जॉयड बाई यानी भारत के अंदर जो कार्यपालिका है या न्यायपालिका उनके बीच में सेपरेशन कहाँ होता है अलगाव कहाँ पे होता है कहाँ पर डिस्कस किया गया तो ये डिस्कस किया गया आर्टिकल 50 के अंदर ठीक है और 50 कहाँ पर आएगा 50 आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी जो राज्य नीति के निदेशक तत्व है उसमें प्राइमबल में कोई डिस्कशन नहीं है सेवन शेड्यूल जो है वो यूनियन स्टेट और कॉन्ग्रेट कौन, लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कॉन्वेंशन प्रैक्टिस का भी इसमें कोई रिलेशन नहीं है तो बी ऑप्शन से हो जाएगा तो थैंक यू ऑल जय हिंद